उधर जो सुबह से मैं लग रहा हूँ, जहाँ वो पंगत चल रही है वहाँ व्यवस्था को देखता हूँ, कोई सारा पूरा आयोजन जो है उसमें कहीं भी कोई छोटी मोटी भी, हम सारे लोग ही अपनी नजर भी रखते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं, वर्किंग भी करते हैं। सारे बाबा जी के बस बाबा की जय, अरे मनसा माता की जय, की जय। यह जगह मनसा माता की पहाड़ी के जस्ट पीछे एक साटिंडा धाम है, जो जगदीश दास जी बाबा जी के नाम सु काफी 50 साल होगी बाबा जी ने तपस्या करता हुआ, और काफी प्रचलित है बाबा जी को। और इके पास में मंडावरा लागे है, 3 किलोमीटर है जठे बस आवे और साधन है, और उरी के रोड निकले है जो खो जावे है, खो 5 किलोमीटर है उरों, और बी के बाद में खो के पहाड़ी के पीछे माँ मनसा माता को मंदिर, प्राचीन मंदिर है, 1000 साल पुरानो मंदिर है। बी के ऊपर एक माल खेत बाबा जी है, बी बटे बाबा कानरदास जी बाबा जी को मंदिर है, जो बीकानेर का मारा जन्म एक फोटो भाई ये सारे नौजवान हैं और ये बाबा जी के अनन भक्त हैं, ये सारे वो बच्चे हैं जो बाबा जी की गोदी में खेले, और बड़ी कृपा है महाराज। और ये सभी के घर में प्रोग्राम है, ये नहीं कि हर नौजवान ये मानता है, ये कार्यक्रम जो ये गुरुद्वारे के अंदर जो कार्यक्रम है वो उनका खुद का कार्यक्रम है। सारे बच्चे अपनी माताओं के साथ, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, कोई भी व्यक्ति, माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, माता, सारे लोग यहाँ बड़ी संख्या के अंदर, हजारों की संख्या में आते हैं। और इन लोगों का मुख्य यह है कि महाराज के गुरु पूर्णिमा के दिन भंडारे का जो प्रसाद ग्रहण किया जाता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे हर दृष्टि से घरों के अंदर सुख समृद्धि लाने वाला, घरों में खुशहाली लाने वाला, और घरों में रिद्धि सिद्धि लाने वाला, ये इनसे ये लोगों का महाराज जगदीश दास जी 50 साल से यहाँ तपस्या कर रहे हैं, और ये सारा जो आयोजन है ये सारे किसी एक आदमी का नहीं, इसमें राजेंद्र गुड्डावी एक भक्त है, ये सारे भक्त सब बराबर क्या सब एक दादम पर बैठ के प्रसाद देते, और ये प्रोग्राम सभी का है।